बैक प्रॉब्लम और सेक्स समस्या, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरे सामने एक केस हिस्ट्री है और ये व्यक्ति हमारे पास में आए थे और उन्हें कंसल्टेशन किया। अप्रॉक्सीमेटली एज 45 साल, और उनको प्रॉब्लम था कि भाई उनको बैक में, मतलब पीठ में दर्द हो रहा है। उनको फ्रोजन शोल्डर की भी हिस्ट्री है, दाहिना और बाया दोनों भी शोल्डर्स उनके जैसे फ्रोजन हो गए थे और दर्द कर रहे थे। उसका भी उन्होंने इलाज किया और वो अभी ठीक है काफ़ी, और उसके लिए दवाई चालू है और दवाई से उनको ठीक लगता है। उनको प्रॉब्लम था इसके अलावा डायबिटीज़ का, शुगर लेवल कम जाना होती रहती है, उसके लिए दवाई चालू है। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, और उसकी भी दवाई चालू है। बिजनेसमैन है तो बिजनेस का काफ़ी सारा टेंशन है, ये टैक्स, वो टैक्स, वो टैक्स, वो टैक्स, अब लॉकडाउन के पीरियड में मंदवाड़ा। और इसके साथ साथ उनको इरेक्शन प्रॉब्लम भी है, वो इरेक्शन के लिए दवाइयाँ लेते हैं और दवाई से भी कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। टेस्टिस में उनको पेन होता है, दर्द होता है टेस्टिस में। ऐसा लगता है कि कोई टेस्टिस ऐसा नीचे खींच रहा है, और ऐसा लगता है कि कभी टेस्टिस दबा रहा है, और दर्द होते रहता है रेगुलरली, और उसके लिए भी दवाई चालू है। उनको लगता है कि अपना लिंग छोटा हो गया और लिंग सिकुड़ गया, और उसके लिए उनको बहुत टेंशन आता है कि अभी क्या होगा इसका, कि भाई अभी ये उम्र में ऐसा हो रहा है तो आगे कैसा होगा। और लिंग में कठोरता आती नहीं है तो फिर सेक्सुअल लाइफ में सुख समाधान नहीं है, पत्नी भी खुश नहीं है, ज़्यादा उम्र नहीं। और सिगरेट, पहले सिगरेट जो है वो पहले काफ़ी स्मोकिंग करते थे, मगर अभी बोले कम किया है, और कम मतलब 15 सिगरेट रोज की पीते हैं, और तंबाकू की पुड़ियाँ भी खाते रहते हैं, और मतलब अच्छी सुगंध वाली तंबाकू, और वो भी खाते रहते हैं, और उसमें भी 10-12 पुड़ियाँ रोज की हो जाती है। शराब पहले पीते थे, अभी शराब पीना बंद किया, और शुगर के लिए दवाई लेते हैं, मगर शुगर लेवल हमेशा हाइयर साइड में रहता है। मेरे सामने पूरी केस हिस्ट्री है, इसलिए मैं, यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं सामने रख के आपको बता रहा हूँ। तो जब दवाई लेने के बाद में भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने हमको कंसल्ट किया, और कंसल्टेशन के बाद में हमने पूरी हिस्ट्री लिया। उनको पूछा कि भाई और कुछ इन्वेस्टिगेशन मैं आपके करवाऊंगा, लाइक सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल हमने देखी तो वो नॉर्मल थी, फिर थायराइड के लेवल देखी वो भी नॉर्मल थी। मैंने बोला कि पहले आपको सिगरेट बंद करना पड़ता है, तंबाकू बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण होता है इरेक्शन की प्रॉब्लम का। और बैक प्रॉब्लम जब है, जब आपने पूरी सारी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है तो बैक प्रॉब्लम तभी भी है, मतलब दर्द कर रहा है पीठ या शोल्डर, है तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब, वो भी साइकोलॉजिकल आपका हो सकता है। क्या होता है कि पीठ का दर्द जो है वो मतलब कोई भी टेंशन है, जैसे मेरे अर्लियर वीडियोज़ में मैंने बोला हुआ है कि आप बीमार क्यों होते हो, दिमाग में क्या टेंशन है आपके, दिमाग में गुस्सा है, दिमाग में अपसेट है, खुन्नस है, अपराधीपन की भावना है, बदला लेने की भावना मतलब है, गिल्टी लगता है, किसको माफ नहीं करना है, मैं बदला लूंगा ऐसा लगता है ना, तो वो है, या फिर पश्चाताप हो रहा है, गुस्सा, पश्चाताप, ऐसा कुछ तो भी दिमाग में चालू है, कंप्लेंट्स बहुत सारी है और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो क्या हो रहा है भाई। तो फिर उसमें यह मालूम पड़ा कि बींग अ बिजनेसमैन काफ़ी सारी आउट इंटीग्रिटीज है, और आउट इंटीग्रिटीज मतलब काफ़ी सारा नंबर दो का काम है, उसके टेंशन है, हरदम टेंशन रहता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर मालूम पड़ा कि उनके यहाँ का जो अकाउंटेंट था, वो अकाउंटेंट जिसको पूरा सब मालूम था, तो वो 1 साल पहले निकल गया, और वो हरदम उनको फ़ोन करके बोलता है कि मेरे पास में आपके ये कागज़ है, वो कागज़ है, और मैं ही बताऊँगा, मुझे पैसा दो। तो वो उसके साथ में बस दादा पुता करके उसको हाथ जोड़ के बीच में थोड़ा सा बहुत पैसा उसको दे दिया, ऐसा कर रहे हैं, और टेंशन काफ़ी है। तो मैं बोला भाई ये सब आपको सेट करना पड़ेगा, मैंने बोला आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको साइकोथेरेपी देता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, हिप्नोथेरेपी से आपका टेंशन कम करते हैं, और उसके साथ साथ फिर कुछ मेडिसिन मैं आपको देता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। तो पहले ब्लड प्रेशर की गोलियाँ, डायबिटीज़ की गोलियाँ वो ठीक करके वो पूरा नॉर्मल होना चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग, शराब तो पूरी बंद, तंबाकू बंद, मतलब ये सब करेंगे तो आप सेक्स लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज फॉरगेट, छोड़ दो सेक्स लाइफ को, यही करना है। तो नहीं बोले मुझे करना तो है इसलिए तो मैं आपके पास में आया। बोला फिर चलो करो,
ठीक हो जाओ जल्दी और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने जैसा काउंसलिंग चालू किया और काफ़ी सारा फ़ायदा उनको उसमें दिख गया। मेरा कहने का मतलब है कि दिमाग के ऊपर इतना लोड है, दिमाग के ऊपर टेंशन है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है लोगों के साथ में, और उसमें फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें फिर लोग तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये पीते रहते हैं, और उससे भी जो ब्लड वेसल्स है उनको अंदर से जो आवरण रहता है, अंदर का जो लाइनिंग रहता है, लेयर्स रहती है, वो थिक हो जाती है, और उसमें फिर ब्लड सप्लाई पेनिस को जाता नहीं है। डायबिटीज़ उससे भी हो जाता है शुगर लेवल बढ़ने से, मतलब सभी प्रॉब्लम्स जो है वो जब मौजूद है तो हमने केयर नहीं लेंगे तो ये सेक्स लाइफ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि ठीक है भाई चलो ये अपने को करना ही नहीं है, और नहीं तो फिर सब बराबर जैसा करना चाहिए वैसा करना पड़ेगा, तो आपका सेक्स लाइफ ठीक हो सकता है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। हमारे यहाँ टीम है केड़ेकर हॉस्पिटल में, वो आपको सलाह दे सकती है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा ले सकते हैं, और हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं, और हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत है। तो ये वीडियो लोगों को शेयर करके आप एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।